सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आपको भी अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट या फिर डीएक्टिवेट करना है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो फिर यह वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनूज। पर सबसे पहले सवाल यह है कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट क्यों करें, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, कई बार हम डेमो अकाउंट बना लेते हैं या फिर फेक अकाउंट बना लेते हैं जिसका कुछ ही देर के लिए यूज रहता है और बाद में हम उस अकाउंट को यूज नहीं करते, तो वैसे अकाउंट को डिलीट कर देना ही बेहतर रहता है। तो आइए सीख लेते हैं कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट या फिर डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके लिए अपने ब्राउजर पे। सबसे पहले ब्राउजर में facebook.com खोल लीजिए और फेसबुक के पेज पे आ जाइए। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने अकाउंट में फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना यूजर आईडी डाल देते हैं और फिर इधर अपना पासवर्ड डाल देते हैं और फिर लॉगिन कर देते हैं। ये देखिए, अब हम अपने अकाउंट में लॉग्ड इन है। चलिए प्रोफाइल पे चले जाते हैं और ये अब हम अपने प्रोफाइल पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाइए और यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही नीचे आप यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन देख सकते हैं, चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ पे जनरल अकाउंट सेटिंग्स इधर खुल गया। यहाँ पे फेसबुक के सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट करने से पहले एक बात बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपने फेसबुक के जितने भी डेटा हैं, जितने भी फोटोज और भी जितने भी इम्पोर्टेंट डेटा हैं, वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउनलोड अ कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फेसबुक के जो है डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ऊपर आप देख सकते हैं मैनेज अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए, ये नीचे इस तरह से कुछ खुल गया। नीचे आते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक डीएक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएक्टिवेट योर अकाउंट का एक ऑप्शन भी दिख रहा है, तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका अकाउंट डिलीट नहीं होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं, डीएक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे एक नया पेज खुल गया और यहाँ पे हमसे रीजन पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कोई रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया और फिर नीचे यहाँ पे ईमेल ऑप्ट आउट का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसे अगर टिक रखते हैं तो आपके जो है ईमेल पे कोई भी फेसबुक के नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे आप इसे चेक ही रखिए और फिर नीचे डीएक्टिवेट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे एक पॉपअप सा खुल गया और यहाँ ये हमसे फिर से कह रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। प्रोफाइल पिक्चर और नेम, सारे फोटो, जितने भी डेटा हैं, वो सारे के सारे डिसेबल कर दिए जाएंगे। तो अगर आप श्योर हैं तो चलिए डीएक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो हम जो है श्योर है, तो चलिए यहाँ पे हम डीएक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। और फिर ये देखिए, यहाँ पे जो है हमें लॉग्ड आउट कर दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको जो है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है और अगर आप चाहते हैं दोबारा से इस अकाउंट को एक्टिवेट करना, तो आप जो है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के फेसबुक में लॉगिन हो जाइए और आपका अकाउंट जो है वो वापस से रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो अगर आपने अपना अकाउंट का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है तो फिर क्या करें, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमने अपना प्रोफाइल पे आ गए हैं हम यहाँ पे फेसबुक पे, तो यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल पे आ जाइए यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू के बगल में आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, क्विक हेल्प
का ऑप्शन दिख रहा है, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे पे एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे हम टाइप करते हैं डिलीट। जैसे ही हम टाइप करते हैं यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट, तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे जो है डिटेल्स आ गए हैं कि आप अपने अकाउंट को डिलीट किया परमानेंटली तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड अ कॉपी पे क्लिक करके आप अपने फेसबुक के जितने भी डेटा हैं उसे बैकअप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे लेट अस नो का एक लिंक दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक नया टैब खुल गया, डिलीट माई अकाउंट का यहाँ पे एक नया पेज खुल गया। तो यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि अगर आपने अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट किया तो फिर आप अपने अकाउंट को वापस से रीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और आपका अकाउंट जो है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो अगर आपने अपना फाइनल डिसीजन बना लिया है कि अपने अकाउंट को डिलीट ही करना है तो ही आप अपने अकाउंट को डिलीट करिए, क्योंकि वापस से आप जो है इस अकाउंट को डिलीट करने के बाद वापस से आप उस अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। चलिए इधर हम डिलीट माई अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक पॉपअप खुल गया और यहाँ पे हमसे जो है हमारा पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। और फिर नीचे है एक सिक्योरिटी चेक, तो यहाँ पे आपको ये कैप्चा जो है वो नीचे इस बॉक्स में डालना है। चलिए यहाँ पे हम कैप्चा जो है डाल देते हैं और फिर ओके कर दीजिए। ये देखिए अब जो है हमारा अकाउंट सक्सेसफुली परमानेंटली डिलीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक पॉपअप आया है और यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड फ्रॉम द साइट एंड विल बी परमानेंटली डिलीट विद इन 14 डेज। यहाँ पे ये हमसे कह रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो फिलहाल डीएक्टिवेट कर दिया गया है हमारे साइट से, और अगर आपको इसे परमानेंटली डिलीट करना है तो 14 दिनों तक आपने अगर इस अकाउंट में लॉगिन नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है परमानेंटली 14 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपका जो है बाद में मन बदल जाता है तो आप 14 दिनों के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए ओके कर देते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे हमें जो है वापिस से यहाँ फेसबुक के होम पेज पे ले आया और अब हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। तो देखा आपने कितना आसान है, हम कुछ ही समय में अपने अकाउंट को डिसेबल या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपने सीख लिया है कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट या फिर डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे स्क्रॉल करिए और कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।